बेलारूसियन प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो एक क्लोज अलाय है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के, उन्होंने प्रॉमिस किया कि जो भी देश यूनियन स्टेट ऑफ रशिया और बेलारूस को ज्वाइन करेगा उनको न्यूक्लियर वेपन दिए जाएंगे। ये जो यूनियन स्टेट ऑफ रशिया और बेलारूस है दोस्तों, इसको 1999 में बनाया गया था ताकि दो फॉर्मर रिपब्लिक आपस में इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और मिलिटरली इंटीग्रेट कर सके। जब से रशिया ने यूक्रेन पे इन्वेजन किया तब से पुतिन लगातार हिंट देते आ रहे हैं कि एक न्यूक्लियर एस्केलेशन होगा और इससे वेस्ट और रशिया के संबंध काफी बिगड़े हैं। मैं आपको बता दूं, बेलारूस इस युद्ध में हिस्सा नहीं है, बट फिर भी बेलारूस की धरती से रशिया एक फुल स्केल इन्वेजन लॉन्च कर रहा है। बेलारूस के पास खुद के परमाणु हथियार भी नहीं है, लेकिन रशिया ये हथियार जो है दोस्तों ट्रांसफर कर रहा है और बेलारूस के लीडर ने इसको कंफर्म किया। यही नहीं दोस्तों, अभी हाल फिलहाल के अंदर रशिया ने अलेक्जेंडर और S-400 मिसाइल सिस्टम भी बेलारूस को दिया है।